हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋचा गिरी। हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पार्ट टू देखते हैं। इसमें हम थ्री लेवल्स देखेंगे और उसके स्टेजेस देखेंगे। तो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो फीडबैक है उसे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, या कुछ क्वेश्चन है या क्वेरी है उसे लिखिए, ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं कमेंट सेक्शन में ही। लेवल वन, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो देखते हैं इसमें क्या है। एट द प्री कन्वेंशनल लेवल, मोस्ट 9 ईयर ओल्ड्स एंड यंगर, सम ओवर 9, वी डोंट हैव अ पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। इंस्टेड आवर मोरल कोड इज शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ एडल्ट्स एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स। तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, ये लेवल, ये कह रहा है कि इसमें 9 ईयर ओल्ड या इससे छोटे बच्चे होते हैं, और कुछ कुछ 9 ईयर से ज़्यादा भी होते हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं उनका कोई पर्सनल कोड नहीं होता, मतलब उनका कोई पर्सनल लॉ नहीं होता, कोई नियम कानून वो खुद से नहीं बनाते हैं, जबकि वो उस नियम कानून पे चलते हैं, उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं जो कि एडल्ट के द्वारा सेट किया गया है, उसी स्टैंडर्ड को वो फॉलो करते हैं, और उसके कंसिक्वेंस के हिसाब से, उस अगर कोई चाइल्ड कोई एक्शन कर रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसके नतीजे के हिसाब से उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो अगर वो रूल फॉलो कर रहे हैं तो उनका ये मानना है कि वो उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है होगा, और अगर वो रूल ब्रेक कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत होगा। तो स्टेज वन क्या कहता है, पहला लेवल का, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस मींस किसी चीज़ को फॉलो करना या ओबे करना, कोई रूल को फॉलो करना या रूल को मानना, ओबे करना। और पनिशमेंट ओरिएंटेशन मतलब अगर रूल नहीं माना जा रहा है तो पनिशमेंट मिल रही है, तो ये पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। द चाइल्ड इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। इफ अ पर्सन इज पनिश्ड, दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। जो चाइल्ड है वो कुछ अच्छा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं चाहता है, और अगर वो पनिश हो रहा है, अगर उसे पनिशमेंट मिल रही है, तो उसने कुछ गलत काम किया होगा। तो ये पहला स्टेज है। स्टेज टू, इंडिविजुअल इज मैन एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। इट एक्सप्रेसेस द व्हाट्स इन इट फॉर मी पोजीशन इन विच राइट बिहेवियर इज डिफाइंड बाय व्हाट एवर द इंडिविजुअल बिलीव टू बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। स्टेज टू रीजनिंग शोज अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द नीड्स ऑफ अदर ओनली टू द पॉइंट वेयर इट माइट further the individual's own interest. As a result, concern for others is not based on loyalty or intrinsic respect, but rather a you scratch my back, I'll scratch yours mentality. An example would be when a child is asked by his parents to do a chore, the child asks, what's in it for me? And the parents offer the child an incentive by giving him an allowance. तो स्टेज टू में क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो है वो चाइल्ड की मानसिकता ये बन जाती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब हम एक इजी वे में ये बता सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो कुछ काम करता है तो उसके पीछे उसकी कुछ लालच होती है, कुछ सेल्फिशनेस होती है, वो काम तभी करता है जबकि उस काम के बदले में उसे कुछ मिले। तो यहाँ पे इसकी मेंटालिटी जो होती है, एक हैंड से लो और एक हैंड से दो वाली बात हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर पेरेंट्स अपने चाइल्ड को कहता है कि ये काम करनी है, तो वो चाइल्ड इसलिए वो काम करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे उस काम के बदले में कुछ अलाउंस देते हैं, कुछ इंसेंटिव देते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो जो स्टेज टू है वहाँ चाइल्ड किसी औरों के इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता है, ना ही वो किसी और की फीलिंग को समझता है, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है क्योंकि उस काम के बदले में उसे कुछ मिलेगा। तो ये था हमारा लेवल वन। अब हम इस लेवल टू की ओर जाते हैं जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी है। इसमें क्या है देखते हैं। एट द कन्वेंशनल लेवल, मोस्ट एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स we begin to internalize the moral standards of valued adult role models
authority is internalized but not questioned, and reasoning is based on the norms of the group to which the person belongs. तो इसमें क्या होता है, इस conventional level में mostly adolescents दिखते हैं और कुछ adults. इसमें क्या होता है, इसमें जो adolescents हैं और कुछ adults हैं वो सोसाइटी के रूल को फॉलो करते हैं, उसे एडहेयर करते हैं, मानते हैं कि रूल जो है वो सोसाइटी द्वारा सेट किया हुआ है, जो कि अपने अंदर लेते हैं और उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं. तो इसमें फर्दर क्लैरिटी के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि स्टेज थ्री और स्टेज फोर जो है लेवल टू का वो क्या कहता है, जिससे हमें लेवल टू और ईजली समझ में आ जाएगा. तो स्टेज थ्री में क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. द चाइल्ड इंडिविजुअल इज़ गुड इन ऑर्डर टू बी सीन एज बींग अ गुड पर्सन बाई अदर्स, देयरफॉर आंसर्स रिलेट टू द अप्रूवल ऑफ अदर्स. तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, वो सोसाइटी में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है. तो रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे गुडनेस की आवश्यकता है, वो अपनी अच्छाई दिखाता है, वो दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहता है, जिसके कारण वो अच्छे अच्छे काम करता है. तो इससे उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है. फोर्थ स्टेज में क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. द चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ द वाइडर रूल ऑफ सोसाइटी, सो जजमेंट कंसर्न ओबेइंग द रूल इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड गिल्ट. जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो रूल्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहा है, मतलब देख रहा है सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, और इसे वो फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे वो लॉ मान रहा है, कानून मान रहा है, और उसका कहना है अगर कानून को वह तोड़ेगा तो उसे सज़ा मिलेगी. तो इसमें क्या है, स्टेज थ्री में कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, और फोर्थ में ये है कि वो कानून को सुप्रीम मान रहा है, इसलिए वो सोशल ऑर्डर फॉलो कर रहा है और कानून को फॉलो कर रहा है, जिससे उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है. लेवल थ्री हम देखते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी. तो देखते हैं इसमें क्या है, इंडिविजुअल जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स एंड मोरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस. अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग दिस लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज एज फार एज मोस्ट पीपल गेट. Only 10-15% are capable of the kind of abstract thinking necessary for stage 5 or 6 post-conventional morality. That is to say, most people take their moral views from those around them and only a minority think through ethical principle for themselves. So, level 3 mein kya hai? Level 3, post-conventional morality, ye kehta hai ki kuch log hi is stage mein jaate hain aur जो इस स्टेज में जाते हैं उनके खुद के प्रिंसिपल होते हैं, खुद के रूल्स होते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो सोसाइटी के रूल को एडहेयर करते हैं. ये लोग भी सोसाइटी के रूल को एडहेयर करते हैं, बट ये उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. अगर सोसाइटी का बनाया हुआ रूल 100% सही नहीं है, सभी लोगों के लिए सही फिट नहीं बैठता है, तो वो इसको चेंज करने के लिए तत्पर रहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन लाने के लिए तत्पर रहते हैं, या फिर इस रूल को हटाने की कोशिश करते हैं. तो जो ऐसे लोग हैं वो केवल 10-15% ही लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं, और वो लोग इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और सोसाइटी के बनाए हुए रूल में मॉडिफिकेशन लाते हैं. तो इन लोगों के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं. तो लेवल थ्री को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए. तो उसके लिए हम स्टेज फाइव और स्टेज सिक्स को देखें. स्टेज फाइव में क्या है देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. द चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर दैट वाइल रूल्स लॉज माइट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दे आर टाइम्स वेन दे विल work against the interest of particular individual. The issues are not always clear-cut. For example, in Heine's dilemma, the protection of life is more important than breaking the law against stealing. जो individual है वो rules और laws of society के लिए तो aware है, मतलब वो जानता है कि ये rules हैं, ये law हैं,
साथ साथ वो यह भी जानता है कि जो ये रूल्स हैं और लॉ हैं वो किसी इंसान ने ही बनाया है, बल्कि गॉड ने नहीं बनाया है। तो ये रूल्स और लॉ हर सिचुएशन के लिए फिट नहीं भी हो सकता है। जैसे कि जो हमने स्टोरी पढ़ी थी हाइंस की, उसने दवा चुरा ली थी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, तो उसकी वाइफ को बचाना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा मोरल था देन दवा चुराने से। स्टेज सिक्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो लेवल थ्री का स्टेज सिक्स जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, देखते हैं ये क्या कहता है। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ। द प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरी वन, एग्जाम्पल ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड इक्वालिटी। द पर्सन विल बी प्रिपेयर टू एक्ट टू डिफेंड दीज प्रिंसिपल्स इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन द प्रोसेस एंड हैविंग टू पे द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसअप्रूवल एंड और इम्प्रीजनमेंट। कोलबर्ग डाउटेड फ्यू पीपल रीच दिस स्टेज। तो ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो कुछ इंडिविजुअल है, कुछ पीपल हैं, वो अपने सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाते हैं, मतलब अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। और वो प्रिंसिपल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी के कानून और नियम के अकॉर्डिंग हो, वो कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल हैं इंडिविजुअल के द्वारा बनाए हुए, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वो केवल खुद के लिए नहीं बनाते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं बनाते हैं कि ये चीज़ है उन्हें ये पाना है तो उनके लिए ये प्रिंसिपल है, बल्कि वो सभी लोगों को ध्यान में रख के वो प्रिंसिपल बनाते हैं। और वो प्रिंसिपल को बनाते समय ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, मतलब सभी को न्याय मिले, सभी के साथ इक्वल जस्टिस हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए और सभी को उनका राइट्स मिले, किसी को उनके राइट्स से वंचित ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देख के उन इंडिविजुअल प्रिंसिपल सेट करते हैं। यहाँ जब वो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, वो काम करते हैं, तो कभी कभी जो सोसाइटी का नियम है, जो सोसाइटी का लॉ है, वो ब्रेक हो सकता है और उसका नतीजा ये होता है कि इंडिविजुअल को सारी चीज़ों में अप्रूवल नहीं मिलता है, उसे क्रिटिक्स का सामना करना पड़ता है, कभी कभी उसे जेल जाना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग सारे इंडिविजुअल इस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।